एवरीवन, मैं पुष्पा देवांगन, पुष्पा कुकिंग में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग बनाने जा रहे हैं बैगन के पकोड़े। ये बहुत ही इजी है, इंस्टेंट रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी भी बनता है। चलिए मेरी रेसिपी फॉलो कीजिए। फ्रेंड, आज मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का पकौड़ा। ये खाने में बहुत टेस्टी होता है और नॉर्मल पकौड़े ही जैसा रहता है। देखिए, इसकी रेसिपी बहुत अच्छा है, टेस्टी भी बनता है और बहुत ईजी भी बन जाता है। चलिए पकोड़े को हम लोग इंस्टेंट बनाते हैं। पहले मैं बैगन को गोल गोल स्लाइस में कटिंग कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने बैगन को गोल गोल कट कर लिया है। और ये मैं एक कटोरी बेसन ले रही हूँ, देखिए। उसके बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा, ये 2 चिमटी करीबन खाने का सोडा डालेंगे। उसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक। अब चलिए इसका घोल बनाते हैं हम लोग। इसका मोटा घोल बनाएंगे, जैसे हम लोग नॉर्मल पकोड़े का बनाते हैं। इसमें हम लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे हल्का सा टेस्ट के लिए, और थोड़ा सा धनिया कट करके डाल दिए हैं। अब इसको देखिए, हमारा ये पेस्ट है कितना अच्छा गाढ़ा बना है। अच्छा, चलिए हम लोग ये बैगन के रोल्स को इसमें डिप करते हैं। ये मैंने ऑयल गरम कर दिया है, हमारा ऑयल काफ़ी गरम हो गया है। अब हम ऐसे बैगन के रोल्स को ऐसे डालते जाएंगे। ये इंस्टेंट हमारा पकौड़ा बन के रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम सारे रोल्स को डाल देंगे, करीबन जितने आएंगे इसमें। ये गैस का फ्लेम मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, इसको पलट लेते हैं। देखिए हमारे पकोड़े कितने अच्छे बन के रेडी हो रहे हैं। आप भी अपने घर में ये ट्राई ज़रूर कीजिए। देखिए हमारे पकोड़े बन के बहुत अच्छे से रेडी हो गए हैं, क्रंची भी हो गया है चारों तरफ से। चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए इसी तरह हम लोग सारे पकोड़े अपने बना लेंगे। अब ये पकोड़े हम सॉस के साथ, हरी मिर्च के साथ, हरी मिर्च की चटनी के साथ, हरी मिर्च को फ्राई करके उसके साथ ले सकते हैं। देखिए कितने अच्छे बने हैं, आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।